We are going to start unit 6 division. Division means repeated subtraction or in Hindi bhag karna. Bhag means kam karte jana usko, half karte jana. Or repeated subtraction. Division means subtracting the same number several times. Example, if I write 36 divided by 6, this is the symbol for division. That means आपको 36 को 6 से divide करना है. आप क्या करेंगे? इस box में 36 रखेंगे divided by 6. इस number से divide करते हैं उसको बाहर रखेंगे. अब हम ये देखेंगे 6 की table में 36 कब आता है. 6, 6 जा 36. तो 6 यहाँ लिखेंगे, 36 यहाँ लिखेंगे और subtract कर देंगे. 6 minus 6, 0. 3 minus 3, 0. सो ये जो number हमें मिला है 6 की table में जो आता है जिससे ये divide हो रहा है, that is known as क्वोशंट. ये नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है इसको बोलते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवाइजर. और जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, जो बचता है. नाउ सी, अगर मैं 36 को 6 बार माइनस करूँ, 6 टाइम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6, आपको 0 मिलेगा. और 6 टाइम सब्ट्रैक्ट करने पर तो वही डिविजन होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम 6 को 6 टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर मिल रहा है 0. सो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. नाउ अगर हमें ये पता करना है कि हमने जो आंसर लाया आया है वो सही है कि नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. दैट मींस अगर हम डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड. डिविडेंड क्या है, 36. अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. अब देखिए डिवाइजर क्या है, 6. क्वेश्चन क्या है, 6. रिमाइंडर क्या है, 0. सो हम 6 इंटू 6 प्लस 0 करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, 36. दैट मींस डिविडेंड, हमें डिविडेंड मिल रहा है. दैट मींस हमारा आंसर करेक्ट है. हम ऐसे चेक कर सकते हैं अपना आंसर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. First property is number is divided by 1, the quotient is number itself and there is no remainder. That means अगर 1 से कोई number divide करते हैं तो जो quotient है वो number खुद होता है और remainder 0 होता है. Example 7 divided by 1, हम 7 को 1 से divide करेंगे. So 1 7 का कितना होगा, 7. Subtract करेंगे 0. So quotient कितना होगा, 7 and remainder 0. मीन्स वो नंबर खुद क्वोशंट होगा अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशंट विल बी 0 एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 होगा. एंड इफ द नंबर अदर देन 0 इज़ डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ द क्वोशंट विल बी 1 एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर. दैट मीन्स अगर हम सेम नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन 1 होता है और रिमाइंडर 0 होता है. लाइक 25 डिवाइडेड बाय 25, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 वन ज़ा 25 होगा, आंसर विल बी 0. सो क्वेश्चन 1 होगा, रिमाइंडर 0 होगा. अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 0. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन.